सो हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम संतोष और आज बात करने वाले हैं मारुति नेक्सा की तरफ से आने वाली एक प्रीमियम एसयूवी जो कि अब तक की मारुति में जिस चीज की कमी थी ना वो पूरी हो चुकी है। इसकी और वीडियो देखनी है आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, बाकी ये है ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट। ठीक है, तो आज सारी बात करने वाले हैं मारुति ग्रैंड विटारा के अल्फा वेरिएंट के बारे में। ठीक है, इसमें सबसे पहले पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि इसमें अगर आपको इंजन ऑप्शन में जाना है दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलेगा नॉर्मल जैसा कि ये आपके सामने खड़ा है, दूसरा मिलेगा आपको इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक स्मार्ट वाला, उसे ऑफिशियल लैंग्वेज में इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड भी कहते हैं, जो कि आपका बैटरी वाला जो सिस्टम आ जाता है ना वो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें कितने वेरिएंट्स आते हैं। इसमें आपको वेरिएंट्स मिलेंगे सिग्मा, डेल्टा, जेटा, अल्फा, और फिर जब आप उस वाले हाइब्रिड इंजन में जाओगे ना स्मार्ट हाइब्रिड वाले, तो उसमें आपको अल्फा प्लस और जेटा प्लस सिर्फ दो वेरिएंट में वो अवेलेबल है, बाकी बेस मॉडल्स वाले में अवेलेबल वाला इंजन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं फ्रंट से अगर बात करें, यहाँ पे हेडलैम्प्स के ऊपर आपको इंटीग्रेटेड DRL प्लस इंडिकेटर दोनों काम करते हैं, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। LED मिल जाता है पूरा फॉर्म। सामने से बात करें मस्त क्रोम ग्रिल, आगे 360 डिग्री कैमरे का फ्रंट कैमरा मिल जाता है, बाकी आपको साइड मिरर के मिरर पे भी कैमरा मिलता है, वो मैं आगे चल के दिखा दूंगा। हेडलैम्प यूनिट की बात करें, प्रोजेक्शन सिंगल बैरल मिलता है विथ LED ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको देखने के लिए मिलता है। फ्रंट से ब्लू कलर आप ये देख रहे हो। कलर ऑप्शन की बात करें तो 6 मोनोटोन टोन कलर्स में आती है, यानी मोनोटोन यानी सिंगल टोन कलर्स में आती है, और 3 आएंगी आपकी डुअल टोन कलर ऑप्शंस के साथ। बाकी यहाँ पे बात करें ORVMs की, तो ORVMs यार मेरे को हर मारुति कार के ना सेम लगते हैं। बाकी यहाँ पे नीचे 360 डिग्री कैमरा आपको मिलने वाला, LED इंडिकेटर्स वगैरह मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVMs मिलते हैं। बाकी टायर साइज की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है 215/60 R17 inches के अलॉय व्हील्स, जो कि बहुत ज्यादा सही लगते हैं, ये थोड़ा थोड़ा जीप कंपास की याद दिलाते हैं, उनके भी अलॉय व्हील्स का डिजाइन कुछ खास कर ऐसा ही मिलता है। बाकी क्लैडिस वगैरह मिल जाती है, मत सी आगे पीछे दोनों ही डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, यहाँ से लेकर वहां तक क्रोम लाइन आपको स्ट्राइप्स वगैरह देखने के लिए मिल जाती है। ऊपर आपको रूफ रेल्स है, सनरूफ इसकी बहुत मस्त है, अगर किसी ने अभी तक ग्रैंड विटारा की सनरूफ नहीं देखना तो इस वीडियो में बने रहना। सनरूफ आपको ऐसी सनरूफ किसी कार में नहीं मिली है, पैनोरामिक सनरूफ जरूर आती है, बहुत कारों में आती है, बट जो फंक्शन इसमें है ना वो किसी में नहीं आता। बाकी साइड से ओवरऑल लुक की बात हो गई, अब चलते हैं कार के रियर प्रोफाइल में। वहां से जो इसका लुक है ना जो निकल के आता, मारुति ने कमाल कर दिया इस बार यार, मतलब कितनी प्रोग्रेस कर दी है, कितने सारे फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। मारुति के लुक्स आज की डेट में अच्छे खासे ब्रांड को भी टक्कर दे रही है, अपने इंडिया वालों की कंपैरिजन वगैरह करने की क्या ही बात है, सारी का सारे ब्रांड सब अच्छे हैं। बाकी पीछे से एक बार लुक देखो आप, क्या मस्त लुक लगती है इसको, मेरे को ना थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है जीप मेरे ना है ना उसका लुक यहाँ पे पीछे से भाई झलक लगती है। बाकी फुल LED कनेक्टेड LED टेल लैंप्स वगैरह आपके देखने के लिए मिल जाती है, ये ग्लो करती है जब आपका ब्रेक प्रेस वगैरह होता है, सिर्फ यहाँ पे टेल लैंप्स वगैरह मिलती है, पीछे सुजुकी का लोगो मिल जाता है और इंडिकेटर्स वगैरह ब्रेक लाइट वगैरह नीचे मिलता है, वो दिखा दूंगा। बाकी यहाँ पे वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, हाइमंड स्टॉप लैम्प, ऊपर शार्क फिन, एंटीना वगैरह ऊपर सब कुछ आप देख लो, उस तरीके से देखने के लिए मिलता है। कलर ऑप्शन में ऑलरेडी बता चुका हूँ। पीछे से नीचे आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट्स वगैरह मिल जाती है, चाक पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे मिल जाते हैं इंडिकेटर, रिवर्स पार्किंग लाइट और आपका रिफ्लेक्टर्स वगैरह। ठीक है, यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स वगैरह जो है पीछे आपको 4 मिल जाते हैं। ग्रैंड विटारा की बड़ी बड़ी बैजिंग मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, अच्छा खासा आपको डिपार्चर और अप्रोच एंगल वगैरह भी देखने के लिए मिल जाता है, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग कर सकती है क्योंकि इसमें ऑल व्हील ड्राइव भी आता है, बाकी ये वाला नहीं है, ये स्मार्ट हाइब्रिड है। बाकी सुजुकी के लोगों को पीछे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ मैनुअल मिलेगा 2 व्हील ड्राइव वाले में। ठीक है, ऑटोमेटिक वगैरह में ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। पीछे बूट स्पेस की अगर बात करें, 373 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, ये नॉर्मल वाला वेरिएंट है इसलिए आपको स्पेयर व्हील यहाँ पे मिल जाता है, अदरवाइज ये हाइब्रिड वाला वेरिएंट होगा तो स्पेयर व्हील आपका नीचे मिलता है, वहाँ पे ऊपर आपको बैटरी वगैरह की प्लेसमेंट मिल जाती है जिसकी वजह से स्पेस कम हो जाता है। बाकी 17 इंच का ये सेम बट स्टील व्हील है, अलॉय नहीं है। लाइट्स वगैरह, चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। पीछे 60-40 स्पीड फंक्शन भी है जो काफी यूजेबल है। ठीक है, बाकी यहाँ पे मिल जाता है, बाकी रियर पार्शियल ट्रे वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो क्लोज करते हैं बूट को और बात करते हैं कुछ थोड़ी और, पीछे से लुक आपको देखने के लिए मिल गया। अगर इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो वो मैं आपको दिखा दूंगा, बाकी इसकी जो लैंप्स वगैरह हैं रिवर्स लाइट की वो आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। ठीक है, बाकी यहाँ पे नेक्सा की ब्रांडिंग वगैरह मिल जाती है। इस साइड से अगर लुक की बात करें तो एक बार प्रॉपर लुक देखो, कार का प्रॉपर लुक देखना बहुत जरूरी है, आप अगर लेने जा रहे हो कुछ भी करने जा रहे हो तो उसका एक बार आप यहीं से अगर घर बैठे देख लोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। बाकी कार मारुति ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कार को अच्छा लुक देने का, तो ऊपर यहाँ पे आपको कुछ डिजाइंस वगैरह एलिमेंट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, क्वार्टर ग्लास वगैरह पीछे मिल जाता है। और सिर्फ और सिर्फ इंजन की बात करें तो इसमें सिर्फ पेट्रोल आता है और हाइब्रिड आएगा, डीजल वगैरह कोई भी ऑप्शन नहीं है, मैंने सोचा बता देते हैं अगर आपको ना पता हो तो। बाकी आप चलते हैं ड्राइवर साइड डोर की तरफ।
यहाँ पे मिल जाता है आपको स्मार्ट एंट्री के लिए बटन, यहाँ पे आपको मिल जाता है ORVM इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल फिर टर्न इंडिकेटर्स एंड साइड कैमरा के साथ, ठीक है, क्रोम स्ट्राइप्स वगैरह मिल जाती है, फिनिश वगैरह मिल जाती है। बाकी डोर की अगर बात करें तो मस्त आपको ब्लैक एंड ब्राउन कलर की फिनिश देखने के लिए मिलती है। अगर सारे ग्लासेस की बात करें तो टेंटेड आते हैं, एंटी ग्लेयर वाले आते हैं जिससे यूवी रेज वगैरह आपको फ्लोरोसेंट वगैरह ग्लासेस वो सारे यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, जो कि ब्लैक एंड ब्राउन कलर में आपकी इंटीरियर फिनिश मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत ही अच्छा सॉफ्ट टच फिनिश अगर देखने के लिए मिल जाती है पूरे डोर पे, ब्लैक प्योरा फिनिश है। ऑटो आपका ड्राइवर साइड मिरर विंडो मिल जाती है ऑटो अप डाउन के साथ, यहाँ पे आपको ORVM मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बाकी यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल्स वगैरह भी मिल जाते हैं। और अगर एक और बात, अगर आप लोग अभी इसको बाय करने जाते हो ना तो इसमें 39,000 का डिस्काउंट भी आई थिंक चल रहा है और CNG में भी अवेलेबल बहुत जल्द होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे सीट्स वगैरह की बात करें, लेदराइट सीट्स वगैरह आपको देखने के लिए मिलती है, वेंटिलेटेड सीट्स भी आती है बट वो टॉप मॉडल अल्फा प्लस जेटा प्लस वगैरह वालों में ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे फ्यूल लिड और आपका बोनट ओपन करने के लिए लिवर वगैरह मिल जाता है, स्टार्ट स्टॉप स्विच है, हाइट एडजस्टमेंट सीट्स आपकी अवेलेबल है। इंटीरियर की अगर बात करें तो कुछ ऐसा इंटीरियर आपको देखने के लिए मिलता है, न्यू मारुति ग्रैंड विटारा का, ठीक है, कुछ तरीके से इंटीरियर मिलता है। इंटीरियर नो डाउट अमेजिंग है, बैठते हैं कार के अंदर, पहले सीट कर लेते हैं पीछे फिर बैठते हैं कार के अंदर और बात करते हैं आपसे आगे। वो इस तरीके से स्टीयरिंग व्हील है आपको इस तरीके से आपको ब्लैक कलर में मिलेगा, बीच में सुजुकी का लोगो वगैरह मिल जाता है, दोनों साइड आपके कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लेफ्ट साइड पर आपको मीडियम रेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, पैडल शिफ्टर्स वगैरह सारी चीजें आगे चल के दिखा दूंगा। ये है आपके टेलीफोनिक रिलेटेड कंट्रोल्स हैं, आपके मीडिया के रिलेटेड सारे कंट्रोल्स वगैरह देखने के मिलते हैं, वॉल्यूम अप डाउन म्यूट चेंज वगैरह करने के लिए, बीच में हॉर्न मिल जाते हैं, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल्स वगैरह आपके देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो अपने हाइट अकॉर्डिंग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे मिल जाता है आपके पैडल शिफ्टर जो कि फील पूरा देंगे भाई आपको एक स्पोर्ट्स कार का, अगर आप इसे मैनुअल में चलाते हो, वैसे है तो ये ऑटोमेटिक। यहाँ पे आपको रियर एंड फ्रंट के वाइपर्स के कंट्रोल्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी बात करें आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो उससे पहले यहाँ से इसको ऑन कर लेते हैं पहले, और कुछ इस तरीके का भाई बहुत अमेजिंग लगता है, जिसके लाइट साइड सारी जल जाती है एकदम, तो एक नंबर का लगता है। बाकी यहाँ पे मिल जाता है आपका RPM मीटर साइड मिल जाता है स्पीडोमीटर, इसी में आपको ना पूरे स्मार्ट एक स्मार्ट डिस्प्ले वाला पूरा एक आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलता है, जो कि आपका जो हाइब्रिड वाले वेरिएंट्स है ना उसमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो वो बहुत अमेजिंग लगता है। अगर आपको टोयोटा हाइराइडर वगैरह देखने हो तो ऊपर आई बटन में या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, टोटल वहां आपको मिल जाएगा। बाकी 360 डिग्री कैमरा इसमें आता है, HUD नहीं आती, HUD आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट्स में मिलेगी। यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर वगैरह मिल जाता है, यहाँ पे आपका सारा म्यूजिक सिस्टम वगैरह मिल जाता है, जिसकी बात आगे करेंगे। बाकी अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम की, जो कि आपको मिलता है स्मार्ट प्रो प्लस वाला मारुति का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि आता है एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले ब्लूटूथ नेविगेशन वगैरह के साथ और मारुति का एडवांस स्मार्ट सुजुकी कनेक्ट के साथ, जिसमें 40 प्लस फीचर्स वगैरह आपके देखने के लिए मिल जाते हैं। और टच रिस्पांस मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, मतलब ठीक है। डोर लॉक अनलॉक हेडलाइट्स वगैरह ऑन करना ऑफ करना AC ऑन ऑफ करना, ये सारे फीचर्स आपने स्मार्ट जो इसका फीचर्स है ना, जो मतलब सॉरी सुजुकी कनेक्ट है 40 प्लस फीचर्स के साथ, उसे आप अपने फोन से ही यूज कर सकते हो। कहीं पे भी पार्किंग में आपकी कार खड़ी, आपको मतलब AC ऑन है, आपको ऑन करना है, कुछ भी करना है बाहर से ही, तो वो सारी चीजें आप इसे कर सकते हो। सेटिंग वगैरह यहाँ पे सारे फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं। ऑन ऑफ करने के लिए इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, ये आपका ऑन ऑफ हो जाएगा। बाकी बीच में हजार्ड लैंप का बटन मिल जाता है, AC वेंट्स हैं, ऑटोमेटिक AC मिलता है जैसा बलिनो वगैरह मिलता है ना वैसा, वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह भी आती है, वायरलेस चार्जर भी आता है जो आपको टॉप वेरिएंट्स में जाके मिलेगा, यहाँ पे आपको वो चीजें मिल जाती हैं। की बात करें तो की इसकी मुझे ठीक लगती है, मतलब नेक्सा के जो की डिजाइन है ब्लैक कलर में ये अच्छा लगता है, बाकी की तो सेम है, ब्लू थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता जो कि एरिना वगैरह में आता है। ऊपर आपको ऑटो IRVM वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, सनग्लासेस होल्डर्स वगैरह मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड वैनिटी की बात करें तो यहाँ पे लाइट्स विथ मिरर मिलता है देखने के लिए आपको। ऊपर बात करो दो आपको यहाँ पे सनग्लासेस होल्डर्स मिल जाते हैं, लाइट्स वगैरह मिल जाती है, सनरूफ के कंट्रोल्स हैं, सनरूफ की बहुत अमेजिंग पार्ट है वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं थोड़ी देर में। यहाँ से आपने लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हो, ड्राइवर पैसेंजर साइड को ड्राइवर साइड भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिरर और ग्लासेस वगैरह मिरर देखने सॉरी लाइट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाती है। बाकी सेफ्टी फीचर्स के मामले में बात करें, 6 एयरबैग्स ABS EBD वगैरह सारे मस्त फीचर आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। सनरूफ, अब देखो आप सनरूफ ओपन हो गए ना, अब देखना भाई किसी भी अगर पैनोरामिक ऐसी सनरूफ आपने किसी और कार में देखी हो तो मुझे बताना। ऊपर का फर्स्ट ग्लास आपका जाएगा, साथ ही साथ सेकंड ग्लास भी आपका जा रहा है, देखो सेकंड ग्लास ऑलमोस्ट 90% क्लोज हो जाता है, ये देखना, ये देखो ऑल 90-95% तक यहाँ से भाई पूरा कमरा एकदम दरवाजा खुल जाता है ऊपर जाने के लिए, बट चलती कार में मत जाना, इट
ठीक है, तो ऑफ कर देते इसको, बाकी इंटीरियर वगैरह सारी चीजें बता दिया। यहाँ पे ग्लव बॉक्स की बात करें, नॉर्मल से ग्लव बॉक्स वगैरह देखने के लिए मिलता है, सॉफ्ट टच फिनिश वगैरह मिल जाती है डैशबोर्ड वगैरह पे। ट्रांसमिशन की बात करें, ऑटोमेटिक मैनुअल ईसीवीटी तीन ट्रांसमिशन में आते हैं। नॉर्मल वाले इंजन में आपको सिर्फ ऑटोमेटिक और मैनुअल मिलता है, ईसीवीटी मिलेगा आपको जो कि आपके स्मार्ट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाले आएंगे ना उसमें। इसको आप मैनुअल में भी ड्राइव कर सकते हो, जैसा कि आपका पेडल शिफ्टर्स वगैरह दिए हैं जिनमें जो भी गियर वगैरह पोजिशनिंग है वो यहाँ पे आपको दिखाता रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपके सारी सारी गियर और ट्रांसमिशन की बात, यहाँ पे सारी चीजें हो चुकी हैं। अगर बात करें कैमरे की, तो कैमरा दिखा देते 360 डिग्री कैसा देखने में आपको मिलता है। क्वालिटी की अगर बात करें तो क्वालिटी इसकी एवरेज है, कुछ खास नहीं है, मतलब हाँ अच्छा है बुरा भी नहीं है, कुछ इस तरीके से आपको क्वालिटी वगैरह देखने के लिए मिलती है, जो कि एक बार और आप देख लो। कुछ सारे इसके फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं, फंक्शन वगैरह, सराउंडिंग्स वगैरह, पूरा गोल गोल 360 डिग्री आपका इसमें कार बनी हुई प्रॉपर दिखा देगा। सेटिंग वगैरह करना चाहोगे तो कुछ इस तरीके से इसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह भी है जो कि आप अपने हिसाब से जैसी पसंद हो वैसी कर सकते हो। बाकी जो प्राइसिंग वगैरह होगी वो आपके डिस्प्ले पे मेंशन हो जाएगी। और यहाँ पे सारी सारी बात हो चुकी है। नीचे की अगर बात करें पेडल की, तो यहाँ पे आपको पेडल्स वगैरह मिल जाते हैं जो कि एक्सेलरेशन एंड ब्रेक और आपका एक डेड पेडल वगैरह भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आगे की जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी सारी कवर हो गई। अब चलते हैं पीछे, और पीछे आपको सेकंड रो में क्या क्या मिलता है वो बताते हैं। तो सेकंड रो का डोर और फर्स्ट ड्राइवर साइड का डोर सब कुछ सेम है, फीचर्स में थोड़ी सी कटौती होती है, जैसे कि आपको सिर्फ पीछे यहाँ पे सॉफ्ट टच फिनिश वगैरह सब कुछ सेम मिलेगा, पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं और कोई फंक्शन नहीं मिलेगा। पीछे यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल्स वगैरह, ब्लैक पियानो फिनिश वगैरह मिल जाती है, नीचे स्पीकर्स हैं, ट्विटर्स वगैरह हैं, सब कुछ इसमें मिल जाता है। 6 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, ये मैं बताना भूल गया था, आई एम सॉरी। यहाँ पे सीट्स की बात करें, वही लेदर फिनिश आपको मिल जाती है, डुअल टोन सीट्स में आइसोफिक्स वगैरह, यहाँ पे सारी सीट्स की सेफ्टी बेल्ट्स वगैरह आपके यहाँ पे मिल जाती है, और तीनों के तीनों आपके एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। कहीं कहीं तो दोनों ही नहीं मिलते किसी किसी कार्स में, बट यहाँ तीनों मिल रहे हैं। 60-40 एडजस्टमेंट है जिसको आप यूज कर सकते हो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें हो गई। अब बैठते हैं कार के अंदर, और स्पेस वगैरह की बात करें तो नो डाउट आपको स्पेस पीछे बहुत अच्छा मिलता है, चाहे कितनी भी हाइट का बंदा आपका ड्राइव कर रहा हो स्पेस अच्छा खासा मिलेगा। एसी वेंट्स पीछे मिल जाते हैं 2 के 2, जिन्हें आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो और एडजस्ट भी अपने हिसाब से कर सकते हो। और अगर नीचे बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 2 पावर आउटलेट, एक टाइप सी और एक टाइप ए वाला, जैसे ही आपके पास डाटा केबल वगैरह उसे यूज कर सकते हो। यहाँ पे बात करें लाइट्स वगैरह मिल जाती है जो कि सारी हेलोजन में मिलेगी, यार एलईडी होती ज्यादा मजा आता। एडजस्टेबल ग्रैब हैंडल विद कोट हुक वगैरह मिल जाते हैं, दोनों दोनों साइड लाइट्स मिल जाती है। ठीक है, पीछे से एक लुक की बात करें इंटीरियर के डैशबोर्ड के, तो कुछ ऐसा मिलता है, बहुत लोगों को पसंद आया ये लुक, हमें पसंद आया, बहुत सारे इसके बुकिंग वगैरह हो चुकी है 70-80 हज़ार, आज कितने कितने बुकिंग्स इन कार्स की आजकल हो रही है, इतनी डिमांड में, इतना अच्छा लुक्स आ रहा है, इतने अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर रही है उस हिसाब से। तो अब बात करते हैं कार के इंजन के बारे में, क्योंकि इंजन इंपॉर्टेंट है, पावर इंपॉर्टेंट है, जैसा प्राइस पे कर रहे हैं उस हिसाब से आपको इंजन उसका मिल रहा है कि नहीं। तो अब बात करते हैं कार के इंजन का, एक बार बोनट ओपन कर ले इसका। हाँ, तो अब बात करते हैं इंजन की। इंजन आपको 2 मिलते हैं, दोनों ही पेट्रोल में मिलेंगे, एक जो इंजन मतलब दोनों ही 1.5 लीटर के ही इंजन मिलेंगे, बट पावर्स में आपको फर्क मिलता है। एक तो इसमें आपको नॉर्मल इंजन मिलता है 1.5 लीटर का जो कि पावर प्रोड्यूस करता है भाई 101 bhp और 137 Nm का टॉर्क। दूसरा जो इसमें आपको इंजन मिलेगा ना इलेक्ट्रिक स्मार्ट हाइब्रिड वाला, उसमें आपको कंबाइंड जो पावर है इंजन और मोटर की वो मिलती है 115 और 16 के अराउंड bhp और 122 Nm का टॉर्क। बाकी यहाँ पे आपके, और वो जो आएगा ना वो सीवीटी में आएगा सिर्फ और सिर्फ, मैनुअल वगैरह नहीं आता, वो ईसीवीटी आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन जो होता है ना ईसीवीटी उसमें आएगा। बाकी यहाँ पे इंजन वगैरह सारी डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो कि आपके सामने है, कुछ इस तरीके से प्लेसमेंट वगैरह मिलती है। 1.5 लीटर के दोनों इंजन मिलेंगे, पेट्रोल मिलेगा, डीजल में ऑप्शन अभी तक अवेलेबल नहीं है, सीएनजी में हाल फिलहाल आने वाली उसकी वीडियोज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी सारी सारी बात हो गई, प्राइसिंग वगैरह ऑलमोस्ट आपके डिस्प्ले पे आ चुकी होगी। अब देखिए आपका काम तो हो गया, अब आपको मेरा काम करना है। ठीक है, आप लोग अगर चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, और वीडियो को लाइक करके भी जरूर आना। जो पुराने आए हैं, जो ऑलरेडी सब्सक्राइब जिन्होंने कर रखा है, तो आप लोग बिना लाइक किए नहीं जाओगे और कमेंट भी करके जाओगे। अगर आपको कार में कुछ भी पसंद आया हो या फिर कुछ ना पसंद आया हो, तो आप लोग जरूर कमेंट करके जाना। ठीक है, और अगर ब्लॉग्स वगैरह में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ब्लॉगिंग वगैरह भी मैंने आजकल थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर रखी है, नया चैनल, तो उसको भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, बाकी बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो भी कर सकते हो। आपके लिए मेहनत करते हैं, थोड़ा थोड़ा आपको भी थोड़ा थोड़ा करोगे तो हमें भी थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।